पाकिस्तान आज के वक्त में कंगाली के दौर से गुजर रहा है। अब पाकिस्तान की नई सरकार बनने के बाद शहबाज सरकार के नए वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान को लेकर नया खुलासा किया है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान को कंगाली के कगार पर पहुंचाने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हाथ बताया है। नए वित्त मंत्री ने खुलासा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके बानीगाला स्थित घर से पीएम सचिवालय पहुंचाने पर राष्ट्रीय खजाने को 3 साल 8 महीने में 55 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सत्ता में रहते हुए इमरान खान ने लगभग हर दिन अपने दफ्तर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और पैसा हेलीकॉप्टर में खपत होने वाले इंद्र में खर्च किया जाता था। दरअसल इमरान खान को सत्ता में आने के कुछ वक्त बाद से ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने रोजाना आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया था। लेकिन इमरान खान के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री रही फवाद चौधरी ने उस समय दावा किया था कि इसकी लागत 55 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक इमरान खान सरकार के कार्यकाल में 20.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का नया कर्ज लिया गया था, जिससे पाकिस्तान का कुल भारी खर्च बढ़ाकर पहली बार 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के स्तर को पार कर गया था। डॉलर में ये बकाया करीब 283 अरब डॉलर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।